मसूरी घंटाघर क्षेत्र में एक पुरानी बिल्डिंग में दुकान का एक भाग ढह जाने से दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है। इसके साथ साथ दुकान में रखा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं बिल्डिंग में बड़ी दरारें आने से बिल्डिंग को भारी नुकसान हो सकता है। घटना की सूचना मिलते ही SDM मसूरी गोपाल राम बिनवाल द्वारा बिल्डिंग का निरीक्षण कर बिल्डिंग में रह रहे मकान मालिक और किराएदारों को बिल्डिंग को तत्काल प्रभाव से खाली करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिससे किसी भी दुर्घटना को टाला जा सके। लेकिन मकान मालिक और किराएदारों के बीच में चल रहे विवाद के कारण कोई भी बिल्डिंग को खाली करने को तैयार नहीं है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा मकान मालिक और किराएदारों को नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। ये गिर रही है, क्या कभी चौखट अपने आप गिरेगी? दूसरी बात, ये तोड़ फोड़ बराबर चल रही है, बराबर हो रही थी और हमारे को धमकियां दी जा रही थी बराबर कि हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, खाली कर देंगे। हमने खाली नहीं करी, कल इन्होंने ये हादसा करा। यहाँ पर लंडोर मार्केट में एक जीर्ण भवन क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसमें कुछ दुकानें थी और उसमें मकान मालिक और किराएदारों के बीच माननीय सिविल न्यायालय में मामला विचाराधीन है और जो किराएदार चार लोग उसमें रह रहे हैं उनको यथास्थिति बनाए रखने और उसमें काबिज रहने का आदेश हुआ है। लाइव उत्तराखंड के लिए मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।